दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा डेट को लेकर के काफ़ी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपकी परीक्षा जो है नवंबर में होगी, और नवंबर में कब होगी, 15 से 20 तक के बाद ही होगी, लगभग 20 तारीख के बाद ही होगी, ये मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो बोल रहे हैं कि 3 तारीख से ही परीक्षा होगी आपकी। जैसा कि दोस्तों मैंने जो पता किया, जो मुझे सूचना मिली, वो मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों, ये सूचना इनको कहाँ से मिलती है, ये किस तरह से, मतलब इस तरह इतना गारंटी लेते हैं, अभी आप देखे होंगे कि आज ही कुछ चैनल द्वारा बताया गया है कि आपकी परीक्षा 3 तारीख से ही शुरू होने वाली है। मतलब कि 3 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है, तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन होना तो चाहिए। एक भी यहाँ पर नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं किया गया विभाग द्वारा, आयोग द्वारा, आप देखेंगे तो कैसे आप बिलीव कर सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा आपकी जो है 3 तारीख से होना है। दोस्तों, आपको पता है कि आज है 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर दोस्तों यहाँ पर डेट है, 17 तारीख मतलब कि 3 दिन ये हुए और 10 दिन हुए, 13 दिन ये हुए, 13 दिन 15 दिन। तो दोस्तों, अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया? मैं मानता हूँ कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 15 दिन पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आज 17 तारीख है तो 20 तारीख तक यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू हो जाना चाहिए, ठीक है, तब जा करके आपकी परीक्षा यहाँ पर 3 नवंबर से संभव है। अभी आप देखेंगे, आप लोग खुद जाकर के यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, आज के ही दिन दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े कुछ यूट्यूब चैनल हैं, इन लोगों ने साफ साफ कहा है कि परीक्षा 3 तारीख से शुरू है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े यूट्यूबर, मतलब कि जो टीचर हैं, उन्होंने कहा है, रमन सर को ले लो, और इसके बाद ईड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, और इसके बाद और बड़े बड़े टीचर हैं, उन लोगों ने कहा है कि नवंबर के मिड में परीक्षा आपकी शुरू हो सकती है, इसके पहले संभव नहीं है। और यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस भी जारी नहीं की गई है। हम इतनी गारंटी कब ले सकते थे जब कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होती? मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर के एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन दिया है कि एकदम 100%। तो मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे सूचना मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो जानकारी है आपकी परीक्षा को लेकर के, वो 15 नवंबर के बाद ही है, ठीक है, मतलब 15 से 20 नवंबर के बाद ही है। इसके पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है एग्ज़ाम डेट को लेकर के। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट्स करके बताना। और अभी जब तक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट UBCL.org पर जब तक कोई अपडेट नहीं आता, दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है ना कि विभाग की भी लापरवाही है। विभाग को जो है एक नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर बना करके अपलोड करना चाहिए कि आपकी परीक्षा इस डेट से हो सकती है। इससे क्या फ़ायदा होता कि जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ITI के, TGTU के, उनको जो है ना एक थोड़ा सा रिलैक्स मिलता कि चलो इस दिन से परीक्षा है तो हमारी तैयारी या प्लानिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर बिना कोई इन्फॉर्मेशन के डायरेक्ट एडमिट कार्ड इशू करना, ये तो बिल्कुल यहाँ पर ये एक तरह से कहो गलत बात है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। TGTU को भी चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बना करके अपलोड करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी यहाँ पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है यूट्यूब पर कि परीक्षा इसकी कब होगी। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ये सिर्फ मान कर ही बता रहे हैं कि अभी हाँ इस दिन तक परीक्षा हो सकती है। कोई कह रहा है 3 नवंबर से परीक्षा होगी, कोई कह रहा है 20 नवंबर से परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा होगी कैसे पता चले? सिर्फ हम एक अनुमान ही तो लगा सकते हैं कि इस तारीख से परीक्षा हो सकती है, कोई यहाँ पर लीक थोड़ी करेगा यहाँ पर अंदर की बात। सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, या फिर जो अंदर कर्मचारी होगा वो भी सिर्फ बताता होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताता होगा, हाँ एक्सपेक्टेड बताता होगा कि इस दिन से होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि परीक्षा हमारी किसी भी तारीख से संभव है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, तब तक हम कतई नहीं मान सकते, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाकर रखें, प्रिपरेशन जारी रखें। आप विभाग है, आयोग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ को यहाँ पर कंफर्म मान के मत चलिए। अपनी तैयारी मतलब अच्छा रखिए, 3 तारीख से हो या फिर 20 तारीख से हो, आपको अपना प्रिपरेशन, अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए आप लोग हमेशा तैयार रखें, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए, मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूँगा। यूट्यूब पर जो भी यहाँ पर न्यूज़ मिल रही है आपको, उस न्यूज़ को एक तरह से इन्फॉर्मेटिव मतलब मान करके चलिए, बट उस पर जो है ऑथेंटिक मत है, क्योंकि जो YouTube पे बता रहे वो खुद ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ आपको एक अनुमान कहीं से मिलता है वो बताया जाता है, ठीक है। तो उस अनुमान पर आप अपनी तैयारी मत कीजिए, आप पहले से जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, ताकि परीक्षा किसी भी डेट में हो आप बिल्कुल अपनी परीक्षा दे सकेंगे। जय हिंद।